निकल के आई है AMD रिक्रूटमेंट 2021 फॉर UDC ड्राइवर सिक्योरिटी गार्ड साइंटिफिक असिस्टेंट और टेक्निकल पोस्ट के लिए ये फॉर्म निकली हुई है। पोस्ट डेट आपकी 10 अक्टूबर कल आई हुई है। तो बेसिकली ये देखते हैं किस लिए है कि एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टोरेट फॉर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च हैज रिलीज न्यू रिक्रूटमेंट निकाली है। तो और इसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या फीस है और कैसे इस फॉर्म को फिल करना है, वो डिटेल में हम समझते हैं। देखिए इसके लिए जो आपके फीस ये पोस्ट है आपकी एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टोरेट फॉर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च, ठीक है। तो कितने इसमें देखते हैं, अगर हम इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो एप्लीकेशन जो है आपके 9 अक्टूबर से फिल हो रहे हैं, लास्ट डेट है 24 अक्टूबर तक आप इसे कंप्लीट कर सकते हो। 24 अक्टूबर इसकी लास्ट फीस डेट पेमेंट है। एग्ज़ाम डेट अभी नोटिफाइड नहीं है। अब बात करते हैं हम लोग एप्लीकेशन फ़ीस की। तो अगर एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें, अगर साइंटिफिक असिस्टेंट पोस्ट की बात करें जनरल OBC EWS की, उसके लिए 200 रुपीज़ फ़ीस है। SC ST PHF फीमेल की बात करें तो कोई फ़ीस नहीं है। फॉर ऑल अदर पोस्ट की बात करें जनरल OBC EWS के लिए 100 फीस है। वहीं बात करें अगर SC ST PHF फीमेल की बात करें 0। आप इसका पेमेंट क्या कर सकते हो, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और बैंकिंग जो भी है नेट बैंकिंग के थ्रू आप इसका पेमेंट कर सकते हो। अब देखने हैं क्या क्या इसकी एज लिमिट है। MD रिक्रूटमेंट के लिए मिनिमम एज जो होनी चाहिए 18 ईयर्स होने चाहिए, मैक्सिमम 25 से लेकर 30 तक। पोस्ट वाइज आपको एज वहां दी रहेगी, आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके पूरा डिटेल में पढ़ सकते हो। नेक्स्ट है कि पोस्ट का नेम, अगर हम बात करें कि कितने पोस्ट हैं आपके, टोटल 124 पोस्ट हैं, ठीक है। अब इसमें पोस्ट के नाम देखते हैं, साइंटिफिक असिस्टेंट बी फिजिक्स के लेके 4 पोस्ट है जो कि इसमें एलिजिबिलिटी चाहिए आपको। अगर आप बैचलर डिग्री हैं साइंस से, बीएससी इन PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से, और 60% मार्क्स होने चाहिए और एज लिमिट 18 से 30 साल के बीच में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा अगर साइंटिफिक असिस्टेंट केमिस्ट्री के लिए बोल रहा है, टोटल 5 पोस्ट हैं। अगर आप बैचलर डिग्री हैं, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है, अगर आप PCM से हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से हैं विद 60% मार्क्स हैं और 80-30 के बीच में एज है, तो आप ये अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है साइंटिफिक असिस्टेंट की बात करें जियोलॉजी की, तो इसमें टोटल 14 पोस्ट है और इसमें आपको भी बैचलर, इसमें ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए साइंस में, जियोलॉजी में 60% मार्क्स है और 80-30 ईयर्स में। नेक्स्ट साइंटिफिक असिस्टेंट अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करें, तो इसमें टोटल क्या है आपके 2 पोस्ट हैं। डिप्लोमा चाहिए इन रिलेटेड ट्रेड विद 60% मार्क्स। नेक्स्ट साइंटिफिक असिस्टेंट की हम बात करें कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, तो टोटल 9 पोस्ट है। देखिए बहुत सारे पोस्ट हैं, तो आप जिनके लिए भी एलिजिबल हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। देखिए इसके लिए आपको बैचलर डिग्री इन साइंस चाहिए, BSc इन कंप्यूटर साइंस और 60% मार्क्स तो चाहिए ही चाहिए हैं। नेक्स्ट साइंटिफिक असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल की बात करें, तो 1 पोस्ट है। इसमें इंजीनियरिंग डिप्लोमा चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 60% मार्क्स है, जो कि आपकी 18-30 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए। नेक्स्ट साइंटिफिक असिस्टेंट बी सिविल की बात करें, तो 1 पोस्ट और 1 पोस्ट के लिए डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग विथ 60% मार्क्स चाहिए। नेक्स्ट है टेक्नीशियन बी ऑफ फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करें, तो टोटल पोस्ट है आपकी 4 पोस्ट है। क्लास 10th हाई स्कूल में 60% चाहिए विथ ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए, नॉट लेस देन 1 ईयर और एज होना चाहिए 18 से 25 साल। नेक्स्ट है वही, इसके लिए आपको 4 पोस्ट पास दी है। टेक्नीशियन बी है लेबोरेटरी है जिसमें 14 पोस्ट हैं, टेक्नीशियन बी है प्लम्बर, टेक्नीशियन बी है बाइंडिंग, टेक्नीशियन बी है प्रिंटिंग, टेक्नीशियन बी है ड्रिलिंग और अपर डिवीजन क्लर्क है जो आपका 16 पोस्ट है। इस 16 पोस्ट के लिए बैचलर डिग्री चाहिए, अगर आप किसी स्ट्रीम से 50% मार्क्स है तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। ड्राइवर के लिए अगर आपके पास 10th पास हो और प्लस एक्सपीरियंस है तो आप ये अप्लाई कर सकते हो, तो 13 पोस्ट हैं। सिक्योरिटी गार्ड के लिए टोटल 18 पोस्ट हैं, आपके पास 10th हाई स्कूल पास होना चाहिए विद या क्या होना चाहिए आपकी हाइट और चेस्ट ये दिया हुआ है। एज लिमिट 18-27 होनी चाहिए। इस फॉर्म को कैसे फिल कर सकते हैं, इसकी फॉर्म डेट जो है आपके 9 अक्टूबर और 24 अक्टूबर ये लास्ट डेट है। बेसिकली आप सारे इसमें क्या चाहिए, काइंडली स्कैन डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए, फोटो, सिग्नेचर, ID प्रूफ, ये सारी चीज़ें एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ चाहिए। और आप फॉर्म सबमिट के बाद उसका प्रिंटआउट आप भी आप रख सकते हैं, ठीक है। तो अप्लाई करने के लिए आप यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन करोगे तो आप अपना रजिस्ट्रेशन करके इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जो भी दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में हमें पिन कर सकते हैं या हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं शिवानी स्टडी हब से, वहाँ आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके, थैंक यू।